मलिक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज से सादाबाद हाथरस की खबर। थाना सादाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम के संयुक्त कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत चार शातिर लुटेरे गिरफ्तार। आपको बता दें कि 28 जून सन 2021 को कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव कजरौठी के समीप देवी चरण पुत्र कन्हैयालाल निवासी ऊंचा गांव जो पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता है के साथ मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन कर घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना सादाबाद पुलिस व एसओजी टीम के संयुक्त कार्यवाही में आज दिनांक 16 जुलाई सन 2021 को पेट्रोल पंप मैनेजर के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल चार लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत मैं अवैध असलहा तथा लूटी गई नकदी तथा घटना में प्रयुक्त दोनों अपाची व बुलेट मोटरसाइकिल व अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राम गोपाल उर्फ पप्पू दर्जी थाना बलदेव जनपद मथुरा का हिस्ट्री शीटर अभियुक्त भी है, जिसके विरुद्ध जनपद मथुरा व जनपद हाथरस एटा आगरा के विभिन्न थानों पर लूट चोरी गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में करीब 3 दर्जन अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। पूछताछ का विवरण गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ो द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अभियुक्त अजीत जो पेट्रोल पंप मैनेजर के पास के ही गांव का रहने वाला है तथा उसको पता था कि मैनेजर 3 दिन के पैसे एक साथ लेकर कब कैसे और कहां से जाएगा, उसके द्वारा ही रैकी कर लूट की पूरी योजना बनाई गई थी तथा उसने ही पूरी जानकारी अपने सह अभियुक्तों को दी थी। इसके उपरांत घटना के दिन सह अभियुक्तों द्वारा रास्ते में पेट्रोल पंप मैनेजर का पीछा करते हुए सुनसान जगह पर लूट की घटना कारित की गई थी। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को उनके सराहनीय कार्य के लिए उत्सावर्धन हेतु 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता चेतन पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम बाद थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा, नटवर पुत्र राजू सिंह निवासी ग्राम बाद थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा, राम गोपाल उर्फ पप्पू दर्जी पुत्र सुक्की निवासी नगला संजा थाना बलदेव जनपद मथुरा, अजीत पुत्र खजान सिंह निवासी पलाहवत थाना सादाबाद जनपद हाथरस। बरामदगी का विवरण 2,05,000 रुपए नगद लूटे हुए एक सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल नंबर UP 80DA 3515 घटना में प्रयुक्त, एक काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर घटना में प्रयुक्त, 404 अवैध तबंची 315 बोर व 303 बोर, 506 जिंदा कारतूस 315 बोर, 602 जिंदा कारतूस 303 बोर, 7.1 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 खोखा कारतूस 303 बोर। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के नाम प्रभारी निरीक्षक श्री डी के सिसोदिया थाना सादाबाद, उप निरीक्षक प्रमोद शर्मा प्रभारी एसओजी हाथरस, उप निरीक्षक रामपाल थाना सादाबाद हाथरस, उप निरीक्षक मुन्नालाल थाना सादाबाद हाथरस, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार थाना सादाबाद हाथरस, 341 शिलेश कुमार एसओजी टीम हाथरस, 64 जवाहरलाल एसओजी टीम हाथरस, 723 सचिन कुमार एसओजी टीम हाथरस, 251 चेतन राजौरा एसओजी टीम हाथरस, 282 जोगेंद्र सिंह एसओजी टीम हाथरस, 259 पंकज कुमार थाना सादाबाद हाथरस, 503 धर्मेंद्र थाना सादाबाद हाथरस, 354 रिंकू यादव थाना सादाबाद हाथरस। लूट की घटना के संबंध में कोतवाली सादाबाद पर आवश्यक विधानिक कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता अनिल चौधरी, रिपोर्टर रवि कुमार, सादाबाद हाथरस। ये देखिए जनपद हाथरस के थाना सादाबाद पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूट के 2,05,000 रुपये नगद, लूट की घटना में प्रयोग किए हुए 2 मोटरसाइकिल, एक अपाचे सफ़ेद रंग की तथा एक काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल, इसके अतिरिक्त उन चारों के पास से अवैध तमंचे और भारी मात्रा में खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको अवगत करा दें कि दिनांक 28 जून को थाना सादाबाद क्षेत्र के कजरौटी में एक पेट्रोल पंप कर्मी जो बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था, उसके साथ इन बदमाशों द्वारा कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में थाना सादाबाद पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके शीघ्र अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों के अथक प्रयास के उपरांत इसमें सफलता मिली है और घटना का अनावरण हुआ है और इन चारों लुटेरों का गिरफ्तार किया गया है। इन चारों लुटेरों के विरुद्ध थाना सादाबाद पुलिस द्वारा
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए ये अभियुक्त इनमें से तीन जनपद मथुरा के रहने वाले हैं और एक इसमें जनपद हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र का है। इन सभी घटनाओं का जो ये मास्टरमाइंड है, पप्पू दर्जी नाम है इसका, और ये थाना बलदेव का प्रचलित हिस्ट्री शीटर है जिसपे पूर्व में करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं संगीन धाराओं में। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मेरे द्वारा इस सराहनीय कार्य करने हेतु जो इसमें टीम लगी थी, इनको 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।